तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण है ये टीका हो गई थी क्या कल टीका चल रही थी ना। चलो पूर्व पाद प्रतिपादित प्राण उपाधि को जीव क्या जी चालू है ये तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण है इसमें विचार ये है छांदोग्य में आया कि ये जो है पूर्व पक्षी कहता है कि प्राण उपाधि का जीव दूसरे शरीर को प्राप्त करता है ना। तो उस समय क्या है आगे शरीर को जो प्राप्त करेगा उस शरीर प्राप्ति का जो हेतु है बीज सूक्ष्म भूत उस सूक्ष्म भूत से बेष्टित होकर के नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है क्योंकि सर्वत्र सुलभ है पंचमहाभूत इसलिए पंचमहाभूत सर्वत्र सुलभ होने से उसको लेकर के जाना व्यर्थ है। किसको लेकर जाना व्यर्थ है सूक्ष्म भूत को धन में ना। तो ये पूर्व पक्षी का कहना है ठीक है ना। हाँ पहले समझ लो ये कहते हैं पूर्व पाद प्रतिपादित प्राण उपाधि को जीव पूर्व अधिकरण में उपाधि बता दिया प्राण है इंद्रिय उपाधि है जीव की बराबर है। दूसरा शरीर जो प्राप्त करेगा शरीरांतर प्राप्ति बेलायाम इतो निर्गच्छन यहाँ से जाएगा वो जीव जब तक अविद्या काम कर्म है ये जीव की गति आगति तो होती रहेगी धर्म है ना। इसलिए भावी शरीर बीजे ही सूक्ष्म भूते आगे जिस शरीर में भोग होगा जिस शरीर के द्वारा भोग होगा उस शरीर का बीज हो गया सूक्ष्म भूत कौन हो गया सूक्ष्म भूत उस सूक्ष्म भूत से बेष्टित होकर के नहीं जाता उसको ले करके नहीं जाता बिना सूक्ष्म भूत से जाता है ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। क्यों पंचभूतानां सर्वत्र सुलभत्वेन भाई यहाँ से भूत लेकर क्यों जाएगा जब वहाँ पर मिल रहा है तो लोग बोलते हैं ना वहाँ पर जो मिलेगा तो यहाँ से लेकर क्यों जाएंगे लोग नहीं जाते ना इसलिए खाली हाथ जाते हो ठीक है ना। हाँ इसलिए ATM कार्ड वगैरह लेकर जाते हो तो फिर स्वामी जी वो पैसे या ATM कार्ड तो लेके जाते हैं मतलब वो पैसा तो वहाँ मिलेगा ना पैसा वहाँ यहाँ से करेंसी ढोकर क्यों जाना है ऐसा है ना। पंचभूतानां सर्वत्र सुलभत्वेन क्योंकि पंचमहाभूत सब जगह मिल जाएगा इसलिए इतो न जाना चंद यहाँ से लेकर जाना व्यर्थ ही है ये पूर्व पक्ष है इसका सिद्धांत ही श्लोक भी समझ में आ गया आप लोगों को देखो श्लोक भी देख लो थोड़ा सा अवेष्टितो वेष्टितो वा भूत सूक्ष्म पुमान प्रभेद भूतानां सुलभत्वेन याति अवेष्टित एव स श्लोक के पूर्वार्ध में संशय हो गया पुमान मतलब जीव जीव भूत सूक्ष्म वेष्टित होकर जाता है कि अवेष्टित होकर जाता है ठीक है संशय हुआ कि नहीं। हाँ पूर्व पक्षी क्या बोल दिया बोलते कि भूतानां सुलभत्व न ये तो हो गया पंचमहाभूत तो सूक्ष्म जो है वो तो सर्व जगह मिल ही जाएगा चाहे स्वर्ग जाए कहीं भी जावे बात समझ इसलिए यहाँ पर लेकर के नहीं जाते हूँ केवल उनका सूक्ष्म शरीर जाएगा सूक्ष्म शरीर के साथ जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म है वो नहीं जाता है आहुति जो डालते हैं आहुति जो डालते हैं वो आहुति से जो सूक्ष्म भूत रहता है वो सूक्ष्म भूतों को लेकर नहीं जाता है वो उनका जो सूक्ष्म शरीर वो अकेले जाएगा सूक्ष्म शरीर को समझ में आया ये किसका कहना है पूर्व पक्षी कहना है। चलो सिद्धांत देख लो टीका में इति प्राप्ते ब्रह्म तो सिद्धांति का अभिप्राय क्या है थोड़ा समझ कर रख लो
सिद्धांति का अभिप्राय यह है कि यद्यपि सामान्य जो भूत है सूक्ष्म उत्तरो सर्वत्र सुलभ है, सब जगह पर मिलता है, सब जगह पर मिलता है, लेकिन दिस सूक्ष्म भूत से देह बनेगा, जिस सूक्ष्म भूत से देह बनेगा वो सर्वत्र सुलभ नहीं है। सुनते हो? सर्वत्र सुलभ नहीं है, ठीक है ना? ऐसा है, जैसे कहीं कहीं जाते हो तो सब जगह पर पीने का पानी मिलता है क्या? नहीं। लेकिन क्या करते हैं लोग, पीने का पानी लेकर जाते हो, खारा पानी मिलेगा, जैसे दाल भी नहीं पकेगी। ऐसा होता है कि नहीं? लोग क्या करते हैं, पीने का पानी चलो वह लेकर जाओ। ऐसे समझ लो। और क्या, जिस देह से सूक्ष्म भूत, जिस सूक्ष्म भूत से देह बनेगा है कि नहीं, तो वो सब जगह पर है ही नहीं, इसलिए यहाँ से ही वो सूक्ष्म भूत जाते हैं, ये आवती पर डालते हैं ना, ऐसा। इसलिए क्या हुआ, जो जीव का जो उपाधि है इंद्रियां आदि, जो इंद्रियों का आधार होता है पंच महाभूत, ऐसे इंद्रियां नहीं जाती है, इंद्रियों का आधार जो सूक्ष्म भूत है, उस आधार के बिना ये जीव की इंद्रियां परलोक में गमन नहीं करती है, इनका कहना है, ठीक है ना? हाँ, क्यों ऐसा है देखो, क्योंकि जो व्यवहार जो होता है ऐसा नहीं देखा जाता कि सूक्ष्म भूत के बिना इंद्रियां जाती है, ऐसा नहीं है। श्रुति भी इस बात को कहती है, पंचम्या आहुतो वापः पुरुष वचस भवन्ति, ये पांच प्रकार के आहुति देते हैं ना। तो वहाँ पर क्या आएगा, देखो वहाँ से भी जाएगा ना, ये आएगा वहाँ से, चिड़े पुण्य मर्तलों का विशंति, वहाँ पर भी आता है, कैसे, स्वर्गलोक है, मेघ है, पृथ्वी है, पुरुष है, फिर स्त्री है, इसको पंचाग्नि विद्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इस पांच पदार्थों में अग्नि की दृष्टि की जाती है, अग्नि नहीं है, दृष्टि की जाती है, अग्नि की उपासना होती है, ठीक है ना जी। उस अग्नियों, उसको अग्नि बोल दिया, किसको, स्वर्गलोक इत्यादि को अग्नि बोल दिया। हाँ, और वहाँ पर क्या है, उस जिस प्रकार वो आता है उसी प्रकार जाएगा भी, इसी प्रकार से वो जाता भी है, इसलिए उसको आहुति रूप से परिकल्पित करते हैं, किसको, उसको अग्नि को आहुति रूप से वहाँ पर कहते हैं, समझ में ना। इष्ट पूर्त दर्त जो कर्म करता है ना, उपासना करने वाला तो ब्रह्मलोक चला जाएगा वो, जो उपासना नहीं करता है केवल कर्म करता है वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाता है। जो केवल कर्म करेगा, क्या नहीं करेगा, उपासना नहीं, केवल कर्म करने वाले की गति स्वर्ग लोक होती है, धर्म है ना। हाँ, इष्ट पूर्त दत्त कर्म करने वाला जीव स्वर्ग में जाएगा, वहाँ पर से भोग करके फिर क्या होगा, पूर्ण कर्म जब क्षीण हो जाएगा तो फिर मेघ आदि के माध्यम से, वृष्टि आदि के द्वारा पृथ्वी भाव को प्राप्त, अन्न बन जाएगा वो, अन्न में आ जाएगा वो, अन्न से फिर पिता के शरीर में आएगा, फिर स्त्री के शरीर में जाएगा, ये सब प्रक्रिया होती है, छांदों के इत्यादि में कहा गया, ठीक है ना। इसलिए उसी को यहाँ पर अप पंचम्या पांचवी आहुति कौन हो गया, पांचवी आहुति ना रेत के रूप से जी। रेत के रूप से जो माता के गर्भ में जाता है वो पांचवी आहुति उसको कहते हैं, धन्य है ना। इसलिए उसको जल शब्द से कह दिया, पंचम्या आहुतो आप जल बोल दिया, और जल से यहाँ पर लेना है वो शरीर का जो बीज है, पंच महाभूत लेना है, उसमें पांच महाभूत ही होते हैं, केवल जल होता है ऐसी बात नहीं है, बाकी भूत भी रहते हैं, ऐसा है, ठीक है ना। जल की प्रधानता हो से उसको जल बोलते हैं, एक बिंदु बोलते हैं, जल बोल देते हैं। हाँ, इसलिए वो पांच भूतों के साथ स्वर्ग आदि वो स्थान में पहुँच करके, है कि नहीं, पाँचवा स्थान, वो पाँचवा स्थान हो गया, कौन सा हो गया, वो पांचवी हो गया ना, पांचवी आहुति, वहाँ से लौटा तो यहाँ पर रेत बन गया वो, पांचवी आहुति पांचवी आहुति, पांचवी आहुति जब जाएगी
है स्त्री के शरीर में, तब फिर पुरुष हो जाता है, पुरुष वाला शरीर बन जाता है, इसे प्रक्रिया वहाँ पर, ठीक है ना। उस शरीर भाव को प्राप्त करता है उसको पुरुष शब्द से कह देते हैं। इसे सिद्ध क्या हुआ, जिस शरीर का जो बीज है पंचो महाभूत, जिसको पांचवी आहुति बताइए, क्या बताइए, पांचवी आहुति बताइए, वो पंचो महाभूत हो गया, सूक्ष्मा है जी। वो सूक्ष्मा भूत से बेष्टित होकर के जीव जाता है, वहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा, आहुति डालते हो ना उसी से जाएगा, और आता है भी उसी प्रकार से आएगा, जैसे जाएगा वैसे आएगा, है ना, जाएगा भी सूक्ष्म भूत से युक्त होकर के जाएगा पंच महाभूत से, आएगा भी उसी प्रकार से आता है। आहुति डालते हैं वहाँ पर यज्ञ में, जो अग्नि है ना उसमें आहुति डालते, उसमें सूक्ष्म भूत रहता है, उसी से जाता है, उसी से युक्त शरीर जब छूटेगा ना वो नष्ट नहीं होता है, सूक्ष्म भूत वो नष्ट नहीं होता है, लेकिन वो रहता है उसी से युक्त होकर के जाता भी है, कौन जीव, सर्वकर्म सर्व को प्राप्त जो करना चाहता है, बात समझ में कि नहीं, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए इति प्राप्ते ब्रह्म भूतमात्रस्य सुलभत्वे अपि पंचमहाभूत सर्वत्र तो मिलेगा, स्वर्ग में भी है क्या पंचमहाभूत, है, उसी शरीर नहीं बनता है ये जीव का, देवता का, यहाँ से भूत सूक्ष्म जाता है जी, या आहुति डालते हैं, कहाँ पर आहुति डालते हैं, अग्नि में, अग्नि में, भूतमात्रस्य सुलभत्वे अपि देह बीजानी ना सर्वत्र सुलभानी, टीका में देखो, लेकिन देह का जो बीज है ना, जिस शरीर जिस भूत से बीज से देह बनेगा वो सब जगह पर नहीं होते हैं, न सर्वत्र सुलभानी तस्माद इतो नेतव्यानी, इसलिए यहाँ से जाता है भूत सूक्ष्म, ठीक है ना। किंच जीव उपाधि भूत इंद्रियाणाम भूताधर मंत्रणा परलोक गमनम न संभवती, जीव की उपाधि क्या है, इंद्रिया है, जीव की उपाधि क्या है, इंद्रिया है, समझ में ना, उस इंद्रियों का जो गमन है बिना आधार से गमन नहीं होता है, किसी ना किसी आधार से गमन करेगा वो, आधार क्या है, सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म भूत से युक्त है इंद्रिया, उसी से जाता है, बस में ये कहते हैं। जीव दशायाम अदर्शना, वो जीवित दशा में ऐसा नहीं देखा जाता है कि बिना सूक्ष्म भूत से इंद्रिय जाती हो, श्रुतिश्च एवं आह, श्रुति भी इस प्रकार से बोलती है, श्रुति भी इस प्रकार से कहती है, देखो किस प्रकार से, जीव दशायाम के जीवन दशायाम, जीव दशायाम है कि जीवन दशायाम, भाई राजू कोई राजू सुजाता कोई बताओ, पुस्तक में जीव दशायाम है, जीवन दशायाम तो अच्छा है, सौ कवि जीवन, अच्छा नहीं, सौ कवि में भी जीव ही है पर हिंदी में जीवन है, अच्छा जीवन दशायाम करने से और अच्छा है, चलेगा कोई बात नहीं, जीवन दशायाम अदर्शना श्रुतिश्च एवं आह, श्रुति भी इस प्रकार से बोलती है, भाई किस प्रकार से बोलती है, देखो श्रुतिश्च एवं आह पंचम्याम आहुतौ आपह पुरुष वचस भवंती, छांदोग्य में कहा गया, ये जो पांचवी आहुति में है ना, पांचवी आहुति, पांचवी आहुति जल है, केवल जल नहीं है और चार भूत भी रहता है, पंचीकृत हो गया ना तो पांच भूत ही रहेगा, जल की प्रधानता है ना, मतलब शरीर शरीर संज्ञा को प्राप्त करता है, पांचवी आहुति जब जाएगी गर्भ में उस शरीर बन जाता है, उस शरीर को यहाँ पर पुरुष शब्द से बोल रहे हैं, उसमें चेतन की अभिव्यक्ति होगी ना, चेतन है पूर्ण, चेतन की अभिव्यक्ति होने से उसको क्या बोल दिया, शरीर को पुरुष शब्द से बोल दिया, पुरुष कौन है, परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा उसको कहते हैं पुरुष,
पूर्णत्वादिति पुरुष, पूरी सहते थी पुरुष, शरीर हो गया ना पूर्व है, उसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, उसको पुरुष बोलते हैं। शरीर को यहाँ पर पुरुष शब्द से बोल रहे हैं, किसको? शरीर, शरीर को, है ना, वो शरीर शरीर बन जाता है, उसका नाम शरीर हो गया, उसमें चेतन की अभिव्यक्ति होगी। अस्या अयम अर्थ, इसका यह अभिप्राय देखो, द्विलोक पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित पंच पदार्थ उपासनायाम अग्नित्वेन परिकल्पिता। ये देखो भाई, जो स्वर्ग जाना चाहता है ना, अब उसके पास कुछ जाग आदि करने के लिए कुछ है ही नहीं, द्रव्य चाहिए कि नहीं, क्या चाहिए? द्रव्य, द्रव्य चाहिए, पंडित जी चाहिए, दक्षिणा चाहिए, तब तो यज्ञ करोगे, नहीं तो कैसे करोगे? अब तो भाई स्वर्ग फिर नहीं मिल पाएगा, हैं? कोई बात, तो उपासना करो, उपासना से भी तुमको स्वर्ग मिल सकता है। क्या मिल सकता है? मिल जाएगा स्वर्ग, ऐसे ये कह रहे हैं यहाँ पर देखो, क्या कहते हैं? द्विलोक स्वर्गलोक, पर्जन्य पृथ्वी पुरुष, और कौन है? योषित, ये पांच पदार्थ। अग्नि है? बोलो, अग्नि नहीं है, ये कहाँ अग्नि है? अग्नि में तो डालते हैं। अरे ये द्विलोक वगैरह अग्नि है क्या? नहीं, अग्नि नहीं ना है, उसमें अग्नि की बुद्धि करनी है। अच्छा, बुद्धि करनी है। हाँ, वही तो उपासना है जी जी। ये द्विलोक आदि अग्नि नहीं है, अनाग्नि में अग्नि की बुद्धि करते हैं, जैसे नर्मदेश्वर में महादेव की बुद्धि करते हो, उपासना हो गई जी जी। ये पांच अग्नि नहीं है, अनाग्नि है, अनाग्नि में अग्नि की बुद्धि करते हो, अनाग्नि में अग्नि की बुद्धि, ये उपासना। उपासनायाम अग्नित्वेन परिकल्पिता, कल्पना ही तो है और क्या है? भावना है। तेषु अग्निषु स्वर्गाय गच्छन् पुनरागच्छन् जीव आहुतित्वेन परिकल्पिता, उसको आहुति बोल दिया, वो क्या कह दिया? उस अग्नियों में क्या होता है? आहुति शब्द से उसको आहुति बोल दिया, क्या कह दिया? अग्नि में डालते ना उसको, अग्नि की बुद्धि कर रहे हो, इसलिए उसको क्या कह दिया? आहुति। जो डाले जाते हैं ना उसको आहुति कहते, आहुति कहते हो। इस प्रकार वो अग्नि की बुद्धि कर रहे हो जी। किस विषय की बुद्धि कर रहे हो? पांच, इसलिए उसको आहुति बोल दिया। ये पांचों को भी क्या कह दिया? आहुति बोल दिया। वैसे में ये कह रहा, देखो ठीक है, स्वर्ग के प्रति जाता भी है और वहीं से आएगा भी, वहीं से आएगा भी, इसको आहुति बोल दिया। देखो क्या कहते हैं, तेषु अग्निषु, उस अग्नि में स्वर्गाय गच्छन, स्वर्ग के लिए जाता है, पुनरागच्छन, वो आता भी है, इसलिए जीव आहुतित्वेन परिकल्पित, वो जीव को भी क्या कह दिया? आहुति शब्द से बोल दिया, उसी के माध्यम से जा रहा है ना जी। कौन? जीव, इसलिए जीव को ही क्या कह दिया? आहुति शब्द से बोल दिया, बोल दिया, ठीक है ना। चलो, इष्टापूर्तकारी जीव हो, एक लेकिन जाता कौन है? सब लोग जाते हैं क्या? इष्टपूर्त दत्त आदि कर्म करने वाला जीव हो, स्वर्गम आरोह्य, वो स्वर्ग को आरोहण किया, उपभोगे ना कर्माणि क्षीणे, वो क्या कर दिया मालूम है? उपभोग से कर्म क्षीण हो गया, स्वर्ग में जाएंगे तो भोग हो गया ना, भोग हो गया तो कर्म नहीं रहा, कर्म ही तो भोग दिया ना, कर्म ही भोग देता है, केवल कर्म नहीं देता है, ईश्वर के, ईश्वर का संकल्प ही होगा कि नहीं, क्यों जी? मैं तो कर्म जड़ है, वो कैसे भोग देगा? फल देने वाला तो परमात्मा है, कर्म की कारण है, ठीक है। कर्मणि क्षीणे, कर्म जब क्षीण हो गया, पर्जन्य पतित्वा, वो जल में पतित हो गया भाई, हाँ, फिर वृष्टि हो गया ना जी, हाँ, वो वृष्टि हो गया अर्थ, ठीक है ना जी। हाँ, देखो पर्जन्य मतलब मेघ, मेघ में आ गया वो, मेघ से फिर क्या हो गया? वृष्टि हो गई, वृष्टि रूपेण, वृष्टि होकर के फिर जमीन पर आ गई, भूमि में प्राप्य, फिर अन्न बन गया, हैं? और अन्न को कौन खाएगा क्या पता? कौन खाएगा ये नहीं पता ना, कोई भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है, कर्म कोई पुण्य हो तो मनुष्य, तब कोई समर्थ पुरुष खाएगा उसको,
तो कौन कर यार, रोटी बना रहे हो बंदर छीन कर ले जाएगा, यदि पुण्य कर्म है तो बंदर नहीं लेगा। फिर से वही प्रक्रिया हो जाएगी, वही तो कह रहा हूँ। हाँ चलो, इसलिए समझना पड़ता है। चलो सुनो, ये अन्न द्वारा पुरुषम प्राप्य, अन्न के माध्यम से पुरुष को प्राप्त किया, मतलब पुरुष कोई खा लिया, रेत बन गया वो, रेत द्वारा रेत हो करके जोशितम प्रवेश, स्त्री के शरीर में प्रवेश किया हो, तो फिर शरीरम गिनाती, वो शरीर भाव को प्राप्त किया, शरीर बन गया वो, समझ में ना, ये बोलते हैं। ततोपि क्या लिखते हैं, ततोपि ततो आप शब्द, ततो आप शब्द उपलक्षण है, क्योंकि आहुति बापक है ना, आप केवल जल नहीं होता है, बाकी भूत भी रहते हैं, ततो केवल जल जाता है शरीर के अंदर, ऐसा नहीं, वो जल में पांच सारे भूत होते हैं, इसलिए आप शब्द उपलक्षिता नहीं, केवल जल को नहीं लेना है, बाकी भूत को भी ले लो, वो ये है देह के शरीर, ये देह के बीज है, देह बीजानी पंचभूतानी, वो पंच महाभूत है, जीवेन सह द्विलोकादि पंचस्थानेषु, वो जीव के साथ वही जाता है भाई, द्विलोकादि पंचस्थानेषु गत्वा, वो पांच लोग हो गए ना, कितने लोग हो गए, पांच हो गए ना, जी द्विलोकादि पंचस्थानेषु गत्वा, वहीं से पे लौटेगा ना, जाएगा, जैसा जाएगा ऐसा लौटेगा, पंचम स्थाने, पंचम स्थान कौन हो गया, स्त्री, हाँ स्त्री हो गया, पंचम स्थाने शरीर भावम प्राप्य, शरीर भाव को प्राप्त कर लिया हो, ठीक है ना, पुरुषा शब्द वाच्या नहीं भवंती, उसको पुरुष शब्द से कहते हैं, समझ में ना, योषित हो गया ना, वही तो योषित हो गया, तस्माद् बीजैर्वेष्टित एव परलोकं गच्छति, इसलिए उस बीज से जिस शरीर, जिससे शरीर भाव प्राप्त होगा, पंचम महाभूत है ना सूक्ष्म, वो सूक्ष्म भूत को लेकर जाता, क्या है, सूक्ष्म भूत को लेकर के जीव जाता है, केवल जीव नहीं जाता है, मतलब जीव का जो सूक्ष्म शरीर जाएगा उसके साथ कौन जाएगा, सूक्ष्म भूत भी जाता है, ये इनका कहना है, परलोकम गच्छति, ये श्लोक का अभिप्राय हुआ, देख लो श्लोक में क्या हुआ, बीजानाम दुर्लभत्वेन, जिस बीज से शरीर बनेगा वो सर्वत्र नहीं होता है प्राप्त, और निराधार इंद्रियगते, बिना आधार के इंद्रियों का गमनागमन नहीं होता है, और श्रुति भी कहती है पंचम आहुति ता उक्तेश्च, पांचवी आहुति है, समझ में ना, पांचवी आहुति जब जाता है रेत के रूप से स्त्री के शरीर में, है कि नहीं, ऐसा श्रुति बोलती है, फिर पुरुष बन जाता है, शरीर बन जाता है, इसलिए जीव तेर याति बेष्टित, वो जीव जो है पंचम महाभूत से बेष्टित होकर के जाता है, स्पष्ट हो गया, अब सूत्र देख लो स्वामी जी, एक मिनट, ये भूत सूक्ष्म और सूक्ष्म भूत, क्या जी, भूत सूक्ष्म और सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म और सूक्ष्म भूत, भूतानां सूक्ष्म इति भूत सूक्ष्म है, भूतों का सूक्ष्म कहने से स्थूल हुआ, पंचकृत पंचम महाभूत है ना, और सूक्ष्म भूत कहने से अपंचकृत पंचम महाभूत है, वो सूक्ष्म भूत कहते हैं, सूक्ष्म जो भूत है, कर्मधारा समास हो गया, सूक्ष्म जो भूत है, बात समझ में, और भूत सूक्ष्म कहने से भूतानाम सूक्ष्म इति भूत सूक्ष्म, हाँ पंचकृत पंचम महाभूत का जो सूक्ष्म अंश है उसको कहते हैं भूत सूक्ष्म, ठीक है, वो जाता है, हाँ हाँ हाँ, अपंचकृत थोड़ी जाएगा, वो क्या बजे सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब कौन, पंचकृत पंचम महाभूत का, स्थूल का ही जाता है, स्थूल का ही जो सूक्ष्म अंश है वो जाता है, कर्म वगैरह का जो सब रहता है, चलो ठीक है जी।
क्योंकि स्थूल शरीर जो बनता है वो तो स्थूल भूत से बनता है ना, स्थूल भूत से ही बनता है, और सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म भूत से बनता है। अपंचकृत पंच महाभूत जो सूक्ष्म तन्मात्रा कहते हैं उसको कहते हैं सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म तन्मात्रा। स्वामी जी वो भी तन्मात्रा हर जन्म जन्म में बोली जाती है। हाँ क्या जी, ये जो सूक्ष्म अपंचीकृत पंच महाभूत का ये जो सूक्ष्म भूत है सूक्ष्म, अरे वही तो सूक्ष्म हर तन्मात्रा, क्या कह रहे हो, वो तन्मात्रा जो अपंचीकृत है वो हर जन्म में बोली जाती है ना, वो कहाँ जा रहा है, वो तो इंद्रिय है, वो कहाँ जा रहा है, उसके साथ होता है ना। अरे फिर देखो भूत सूक्ष्म जा रहा है, सूक्ष्म भूत नहीं जा रहा है, सूक्ष्म भूत तो सूक्ष्म शरीर है वो, आप समझ में ना, भूत सूक्ष्म जा रहा है, सूक्ष्म भूत नहीं जा रहा है, सूक्ष्म कंप्यूटर की भाषा में ऐसा समझें क्या, जो पंचीकृत वाला जो अपने भूत सूक्ष्म कहा वो मान लीजिए आदमी का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। हाँ ऐसे मान लो। और जो अपंचीकृत है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ ऐसे समझ लो, वो नहीं बदलता है, जो सूक्ष्म भूत कह लो अथवा सूक्ष्म तन्मात्रा कह लो उसी से तो बना है ना वस्तु सूक्ष्म शरीर, वो बदलता नहीं है, वो तो हमेशा रहता है, वो हमेशा रहता है। हाँ वो नहीं बदलता है, वो नहीं बदलता, वही तो कह रहा हूँ, उससे उससे जो बना है सूक्ष्म शरीर एक बार जो बना है उससे बना जो सूक्ष्म शरीर बात समझ में ना, उसको बोलेंगे भूत सूक्ष्म। अरे नहीं भाई फिर देखो सूक्ष्म भूत है, आप समझ रहे हो, समझो सूक्ष्म भूत कहते हैं सूक्ष्म शरीर के कारण को, इतना समझ लो शरीर का कारण, सूक्ष्म शरीर के कारण को सूक्ष्म भूत कह लो, धन में कि नहीं है क्या, ठीक है। हाँ ऐसे समझ लो, इतना तो संशय ना रखो, सूक्ष्म भूत मतलब अपंचीकृत पंच महाभूत ऐसे समझ लो, सूक्ष्म शरीर को क्या कहेंगे, हाँ सूक्ष्म शरीर को क्या कहेंगे, सूक्ष्म तन्मात्रा कह लो, सूक्ष्म भूत कह लो, कारण को सूक्ष्म भूत हो गया, कारण किसका कारण है वो, स्थूल शरीर का, क्या जी भूत सूक्ष्म का, सूक्ष्म शरीर का ले लो भाई, अरे भाई सूक्ष्म शरीर को बात समझो, स्थूल शरीर का बात छोड़ दो पहले, सूक्ष्म शरीर का कारण कौन है, ये सूक्ष्म भूत ना तन्मात्रा, सूक्ष्म भूत कह लो, सूक्ष्म तन्मात्रा कह लो, वो तो कारण हो गया किसका, सूक्ष्म शरीर का है, बराबर है कि नहीं जी, ठीक है ना, जब उसको पंचीकरण कर दिया तो स्थूल बन गया, क्या बन गया, स्थूल बन गया, स्थूल बन गया, उसको क्या कहते हैं, भूत सूक्ष्म, क्या कहेंगे, भूत सूक्ष्म कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, उसी से शरीर बन रहा है, क्या बन रहा है, भूत सूक्ष्म से शरीर बन रहा है, सुनते हो, पहले सूक्ष्म तन्मात्रा कह लो, सूक्ष्म भूत कह लो, है कि नहीं, जिसे सूक्ष्म शरीर बना ना, सूक्ष्म शरीर ऐसा नहीं है घटपट आदि की तरह, बस में नहीं, उसको जो मिला दिया, क्या कर दिया, मिला दिया तो क्या हो गया, मिला दिया तो स्थूल बन गया, हैं, तो स्थूल शरीर बनने से पहले जो है उसको कहते हैं भूत सूक्ष्म, जी, समझे है, तो वो भी स्थूल है, उसी को लेके जाता है, हाँ उसी को लेकर जा रहा है, भूत सूक्ष्म को लेकर जाता है, आपसे मैं, हाँ बोलो, आप तो ये काफी बार हमें बता चुके हैं, मैं इसको ना अपनी भाषा में आपको लिख के देता हूँ, आप उसको चेक कीजिए,
और आपको ठीक लगेगा तो आप ग्रुप पे फिर डाल दीजिएगा कि ये हमेशा सवाल आता है। हाँ स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, स्पष्टता करो। स्पष्ट हुआ, मैं लिख के आपको दे देता हूँ। आपकी बात नहीं कह रहे हैं अभी, आपकी बात नहीं कह रहे, बाकी लोगों की बात कह रहे हैं, सबकी बात कह रहे हैं। तो ये समझ कर रखो, ठीक है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म तन्मात्रा कह लो, सूक्ष्म भूत कह लो, एक ही चीज़ है वो, अलग अलग नहीं समझो उसको। सूक्ष्म तन्मात्रा के बदले भूत बोल दिया, बस इतनी बात है। ओके कि नहीं, सूक्ष्म तन्मात्रा सूक्ष्म भूत एक ही चीज़ है वो, अलग अलग नहीं है वो, उसी से सूक्ष्म शरीर बनता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर स्थूल नहीं है वो, सूक्ष्म शरीर जैसे दिखाई दे रहा है ऐसे स्थूल नहीं है वो, वो अलग हो गया वो। हाँ। वो पंचीकृत नहीं है वो, अपंचीकृत है, और वो भी अपंचीकृत ही है वो, इसलिए दिखाई नहीं देता। इतना समझ में गया, इसलिए दिखाई नहीं देता वो, ठीक है ना जी। उससे जब मिला दिए पंच तन्मात्रा को, उसको सूक्ष्म भूत कह लो चाहे तन्मात्रा कह लो, उसको मिला दिया तो उसको कहते हैं भूत सूक्ष्म। क्या कहेंगे? भूत सूक्ष्म। हाँ, वो भी जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है ना जी। स्थूल शरीर बनने से पहले जो पदार्थ है, स्थूल पदार्थ, उसको कहते हैं भूत सूक्ष्म। भूत सूक्ष्म क्या कहेंगे? भूत सूक्ष्म, भूत सूक्ष्म कहेंगे। ये स्थूल शरीर बनने से पहले है कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे? भूत सूक्ष्म, है कि नहीं। वो जब शरीर के अंदर जाएगा, किसके शरीर के अंदर जाएगा? स्त्री। हाँ, स्त्री के शरीर के अंदर जाएगा, फिर शरीर बन जाएगा। यही बात, ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। भूत सूक्ष्म हाँ, जब जाएगा शरीर में, भूत सूक्ष्म भी पंचीकृत है वो। क्या है? पंचीकृत है वो। हाँ, वो भगवान ने बनाया उसको, भगवान ने तो बना रहे, कौन बना रहा है? इस प्रक्रिया से भगवान ने अपंचीकृत को पंचीकृत कर दिया तो स्थूल हो गया, है कि नहीं। उसको क्या कहते हैं? भूत सूक्ष्म कह रहे हैं। वो शरीर के अंदर जा रहा है वो, इसका कन्फ्यूजन था मुझे, हाँ है ना। वो शरीर के अंदर कौन जा रहा है? भूत सूक्ष्म जा रहा है, वो पंचीकृत है वो, वो अपंचीकृत नहीं, वो अपंचीकृत है। हाँ, वो जो शरीर के अंदर जाएगा, लेकिन तब शरीर बन जाएगा, तब बनेगा। ये जो स्थूल शरीर किससे बन रहा है? भूत सूक्ष्म से, भूत सूक्ष्म से बन रहा है। वो पंचीकृत है वो, अपंचीकृत नहीं है, उसमें पांचों। आप समझ में कि नहीं? सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत से बनता है, स्थूल शरीर पंचीकृत से बनता है। वो पंचीकृत भी वो भूत सूक्ष्म है, छोटा छोटा अंश है वो। जी जी जी। अब समय कि नहीं, आगे कि नहीं, आगे बढ़े। चलो भैया, हाँ अभी जो जो समझ में आया आप लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या बोलते हैं राजू? हाँ, हाँ देते होंगे देते होंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें ना, भूत सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म क्या है, अपंचीकृत सूक्ष्म भूत, भूत सूक्ष्म। शब्दों को ध्यान में रखोगे तो पकड़ में आएगा, सुनो। शब्दों को ध्यान में रखोगे, सूक्ष्म भूत क्या शब्द है, भूत सूक्ष्म अर्थ बदल जाता है, बिल्कुल बदल गया। इसलिए व्याकरण पढ़ना पड़ता है, जो व्याकरण नहीं पढ़े हैं उनको कन्फ्यूजन होता है। सूक्ष्म भूत भूत सूक्ष्म आगे पीछे हो गया, आगे पीछे होने से अर्थ बदल जाता है जी। भाषा में ये व्याकरण पढ़ने वाला उनको झट से बुद्धि में आ जाता है। सूक्ष्म भूत में क्या अंतर है, भूत सूक्ष्म में क्या अंतर है, बात समझ में कि नहीं? चलो आगे समझ गए। चलो आगे है भैया, समय हो गया, रहना दो इतने में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य